ଅଲମ୍ପିକରେ ଗୋଲ୍ଡ ହାସଲ କରିଥିବା ଏବଂ ନିକଟରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା ପରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନିରଜ ଚୋପ୍ରା, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ଜୀ ନିରଜୀ, କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ, କିତନେ ବଡ଼ି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥି ଆପକୋ ଆଜ କେ ଦିନ? ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେ କ୍ୟୁକି ଇଣ୍ଡିଆ କା ସବସେ ବଡ଼ା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆୱାର୍ଡ ହେ ତୋ କାଫି ଖୁସି ହେ କି ମିଲା ଔର ମୈଁ ସଭି ଆୱାର୍ଡିଜ କୋ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ବୋଲତା ହୁଁ। और काफी अच्छा लग रहा है आज का दिन। मन में ऐसे कोई भावना थी जी इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा, इतना बड़ा रेस्पॉन्ड मिलेगा लोगों से और सरकार से, ऐसे कोई भावना थी कभी? मतलब हाँ, ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद तो बिल्कुल लग रहा था। उससे पहले 3-4 बार मैं रिकमेंड हुआ था मेरा खेल रत्न के लिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अगर मैं हाँ कुछ इनसे अलग करता हूँ तभी मैं अपने आप को एक मैं अवार्ड लेने के लिए अपने आप को मानता था कि हाँ तभी अच्छा लगूंगा लेता हुआ। तो आफ्टर ओलंपिक गोल्ड काफी अच्छा लग रहा है कि ये अवार्ड मिला। नीरज जी, जैसे कि आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, आगे भी आपके लिए खेलने के लिए और भी चांसेस है, तो ये अवार्ड आपको कितना मोटिवेट करेगा आगे जाने के लिए और खास करके जो ओलंपिक है उनको कितना मोटिवेट करता है कोई ऐसे बड़े अवार्ड मिलता है तो? बहुत मोटिवेट करता है क्योंकि खेल रत्न है, अर्जुन अवार्ड है या दूसरे अवार्ड्स हैं, तो ये एक रिस्पेक्ट है एक एथलीट के लिए और काफ़ी खुशी होती है मिलने के बाद। और मुझे लगता है कि हमारे साथ साथ जो अगले जो बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जूनियर्स हैं या यूथ है, वो भी बहुत मोटिवेट होते हैं, वो भी देखते हैं कि हाँ हम जीतेंगे तो हमको भी ऐसा मिलेगा, तो उनको भी एक टारगेट मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अगला टारगेट क्या रहेगा? मेरा अगला टारगेट अगले साल हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स है, डायमंड लीग है, तो पहले मैं उनके लिए अच्छे से तैयारी करूँगा और सबसे पहले तो फिट होना है दोबारा और दोबारा से अपनी ट्रेनिंग अच्छे से स्टार्ट करनी है और फिर बिल्कुल अगले साल के लिए, उसके बाद फिर उससे अगले साल और फिर से पेरिस ओलंपिक आ जाएंगे। आपका ओलंपिक दौर खत्म है, अभी तक हम देख रहे हैं आपका बहुत टाइट शेड्यूल हो गया, पूरा चेंजेस हो गया है बहुत सारे चीज, तो उसको फिर कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल, जब प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी कोच के साथ और जब मेरी फिटनेस अच्छे से हो जाएगी तो बिल्कुल होपफुली सब समझ भी जाएंगे और मैं सभी को बोल भी दूंगा, क्योंकि लोग बुरा भी मानेंगे लेकिन मैं उनको बोल दूंगा प्लीज़ ये मेरे कुछ साल हैं कैरियर के और मैं स्पोर्ट्स में अपना 100% देना चाहता हूँ जब तक खेलूँगा, तो सभी समझ जाएंगे वो। हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू जी। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିରଜ ଚୋପ୍ରା ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ସାମିଲ ହେବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ର କଥା ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୁଣି ଅଲମ୍ପିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଆଣିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜ ସଦାଗର ଆର ରାଜନୀତି।